नमस्कार साथियों, नमस्कार बालकृष्ण जी। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हम बालकृष्ण जी का परिचय करा दें जो लोग बालकृष्ण जी से परिचित नहीं हैं। बालकृष्ण जी गंगा प्रसाद सिंह पब्लिक स्कूल गोड़े में कक्षा 6 के छात्र हैं। अपनी कक्षा में सदैव प्रथम स्थान अर्जित करने के लिए इन्हें विद्यालय में अच्छे से जाना जाता है, परिचित हैं सभी इनसे। हम बालकृष्ण के बारे में बता दें कि ये समाज में फैली कुरीतियों और राजनीतिक मुद्दों पर हमसे चर्चा करते आए हैं। आज हमने इनको आमंत्रित किया है, नशा, इससे होने वाली हानियाँ, इसके रोकथाम के बारे में और इस गंदी कुरीति को समाज से पूरी तरीके से निकाल अपने समाज को एक उन्नत राष्ट्र बनाने में, उन्नत समाज बनाने में ये अपने क्या विचार हमारे साथ प्रस्तुत करते हैं। आइए इनका स्वागत करते हैं। बालकृष्ण जी, समाज में नशे को लेकर आपकी क्या राय है, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, समाज में कितने प्रकार के नशे फैल चुके हैं, कितना उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इस समय नशा के में है, जबकि यहाँ पर तंबाकू बहुत अधिक पाया जाता है। इसके कारण कितनी हानियां हो रही हैं, कितने परिवार में वो हो, कितना कितना मतलब इस नशे के कारण बहुत ही ये नशे बहुत ही खराब चीज है। ये सब लोग समय हमारी यही अपेक्षा है आप सबसे कि कृपया जो नशा करते हैं आप उसे छोड़ दें। नशे के कारण कितने व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, जो स्वस्थ हैं आप अपने शरीर को कंफर्टेबल एवं सुरक्षित करना चाहते हैं तो कृपया नशे को छोड़ दें। नशे के कारण आप अगर स्वस्थ हैं तो अस्वस्थ हो जाएंगे, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। जी बालकृष्ण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे नशे को समाज में आप कैसे देख रहे हैं, इससे क्या नुकसान है और ये सब के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नशा इस समय समाज में बहुत ज्यादा फैल चुका है और इससे कई प्रकार बीमारियां भी फैल रही हैं और नशे के कारण बीमारियां ये हो सकती हैं, इनसे हम कैंसर हो सकता है, जो स्वस्थ हैं वो अस्वस्थ हो जाएंगे। इससे नशे से मिलता क्या है, आप सबसे इस नशे के लिए उसी को जो 10 रुपए का आप तंबाकू खाते हैं उसी का अगर हम खाना किसी गरीब को दे दें तो हमारा कितना पुण्य होगा। बहुत अच्छा, आप सब सुन रहे हैं बालकृष्ण जी की राय। बालकृष्ण जी, समाज में नशा जो फैला है, युवाओं से आपकी क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि नशे में लगभग 60% युवा इसमें लिप्त हो चुके हैं, आपसे क्या अपेक्षा है कि आप युवाओं से क्या अपेक्षा रखते हैं और उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने जो बोला 60% एकदम सही बोला है और नशे से मैं आप सबसे विनती करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया नशे को छोड़ दें। इसके कारण जी ये तो हो गई आपकी अपील, युवाओं से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या संदेश दें, कैसा संदेश दें और कैसे नशे को राष्ट्र से, समाज से, देश से, गांव से, प्रदेश से निकालकर पूरे देश को नशा मुक्त बनाने में युवाओं से आपकी क्या अपेक्षा है, आप क्या चाहते हैं युवा किस तरीके से कार्य करें नशा मुक्ति के लिए? देखिए, नशा मुक्ति से भी बिल्कुल दूर है, नशा मुक्ति सबसे ज्यादा संगत के कारण पड़ता है और नशा मुक्ति को हमें एकदम अपने इससे इस प्रकार अगर हम 2-3 दिन के लिए अगर हम नशा छोड़ दें, अगर हम अपनी पूरी कोशिश करें नशा छोड़ने के लिए, अगर हम अपना पूरी कोशिश करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते। युवाओं में वो सारी ताकत है, बालकृष्ण जी हमको बताना चाहते हैं कि युवाओं में वो सारी ताकत है, हमारा राष्ट्र जिसके लिए जाना जाता है सबसे मजबूत युवा। हम अपेक्षा करते हैं कि बालकृष्ण जी की बात हमारे युवा सुन रहे हैं जो भी नशे में लिप्त है, आपसे अनुरोध है, आपसे विनती, आपसे प्रार्थना है कि उन्नत राष्ट्र का निर्माण आप तभी कर पाएंगे जैसा कि बालकृष्ण जी बता रहे हैं, युवा अगर चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। आपसे अपेक्षा है कि आप स्वयं ही ना इस नशे को त्याग कर अभी तो कम से कम 3 लोगों को ऐसा तो बना ही दें जो आपके कारण नशे को छोड़कर एक उन्नत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान कर रहे हो। बालकृष्ण जी, हम अगले कड़ी में आपसे जानना चाहते हैं कि आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, जैसा कि एक राजस्व, बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है इस नशे के माध्यम से, मतलब जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब, इन सबसे एक बड़े राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है, तो आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या वो करे इस नशे को समाज से पूरी तरीके से निकालने में? सरकार से हम निवेदन करते हैं जो ये नशा होता है उसे दूर कर दें, क्योंकि इस नशे से बहुत बीमारियां भी फैल रही हैं और जैसा कि आपका कहना है कि नशे को कैसे सरकार से मतलब कैसे राज्य से दूर किया जाए। जी जी। देखिए, नशे को दूर करने के लिए सबसे पहले जो हमारी फैक्ट्रियां हैं तंबाकू, जितने भी चीजें, उन सबको ऐसा करना चाहिए कि जो वो बनाते हैं तंबाकू उसमें कोई जो मिलावट की जाती है, जिस प्रकार के मतलब कितने गंदे गंदे चीज डाले जाते हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, उसको हम उनसे जाके कहें कि वो जो फैक्ट्रियां हैं वो इस नशे को मतलब एक ऐसे प्रकार से ले जाएं
कि वो नशा मतलब नशा हो ही ना। देखिए बालकृष्ण जी, आपका कहना तो सही है, लेकिन कोई भी फैक्ट्री अपना नुकसान करके ऐसा प्रोडक्ट क्यों लॉन्च करेगी कि ये उसका प्रोडक्ट बंद हो जाए नशे। हम सरकार से ही क्यों ना अपेक्षा कर लें कि आपको भले एक बड़े राजस्व की प्राप्ति हो रही है, लेकिन एक उन्नत राष्ट्र की नींव तभी रखी जा सकती है जब हमारे युवा पूरी तरीके से एकदम स्वच्छ मस्तिष्क के हों, और कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति स्वच्छ मस्तिष्क का नहीं हो सकता है। देखिए इस समय भारत सबसे ज्यादा मतलब दूसरे नंबर पर भारत जनसंख्या के उसमें है। जी बालकर जी, देखिए आपने आपका कहना है कि मतलब जो कंपनियां हैं वो क्यों अपना नुकसान करें। देखिए अगर कंपनियां, तो आपने सही कहा, लेकिन सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ करें ऐसा कि जिससे क्या कहा जाता है। जी आपका कहना है कि सरकार प्रोत्साहित करे ऐसे व्यक्तियों को जो पूरी तरीके से नशे में लिप्त रहे हों और वो नशा मुक्ति अपना रहे हैं और पूरी तरीके से नशा छोड़ चुके हैं, उनको एक ऐसे लाभ की श्रेणी में लाया जाए जिससे अन्य व्यक्ति भी इससे प्रोत्साहित होकर नशा मुक्ति अभियान और पूरी तरीके से समाज को नशे से मुक्त करने में अपना योगदान करें। जी आपका ऐसा ही कहना है ना। जी आपसे हम अपने समाज के लिए ऐसा संदेश चाहते हैं, ऐसा कोई संदेश बताइए जिसको ये वीडियो जो भी देख रहा है, जिसको सुनकर नशा मुक्ति के लिए जरूर एक बार तो प्रेरित हो, उसके लिए कदम उठाए और खुद भी नशा मुक्त हो और कम से कम 3 लोगों को ऐसा अपना चयन बनाए, ऐसा अपना ग्रुप बनाए जिसमें उनके साथ साथ 3 लोग भी नशा मुक्ति में शामिल हो। आप लोग नशा तो करते हैं लेकिन ये नहीं समझते आप कि उससे कितना हमारा नुकसान होता है हमारे शरीर में। हम जो सब लोग तंबाकू खाते हैं वो हमारे शरीर के लीवर में जाके कितना नुकसान करता है। देखिए आप लोग तो खा के बीमार हो जाएंगे, आपके मम्मी पापा भाई बहन जो भी होंगे वो कितना नुकसान समझेंगे कि क्या कहा जाता है हम कहाँ से पैसा लाए। आप जो 10 रुपए का गुटखा खाते हैं, जो भी पीते हैं, अगर भी आपसे अनुरोध है वो जाके अगर आप गरीब को दान में दे देंगे तो आपको भगवान कितना पुण्य देगा और वही आप खा लेंगे, आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर भाई किसी को आप 10 रुपए का वो गुटखा मतलब जो गुटखा आप खाते हैं उसको ना खाए बल्कि उसे खा के आप थूकी देते हैं, क्या मिलता है? कुछ नहीं, आपका नुकसान भले होता है, लेकिन अगर भाई रुपए आप गरीब को देने आपको गरीब दुआ देगा। जी बालकृष्ण जी, आपने जैसा कि कहा अभी शुरू में आपने कहा था, मैं भी ये मानता हूं आपके अंदर कोई अच्छी सोच या बुरी सोच केवल आपकी संगत की वजह से आती है। आप अगर अच्छी संगत में रहेंगे तो आपको अच्छी सोच आएगी, अगर आप बुरी संगत में हैं निश्चित तौर पर कभी आपके दिमाग में अच्छी सोच आ नहीं सकती। अगर नशे की संगत में हैं आप, नशा करने वाले लोगों की संगत में हैं आप, नशा मुक्ति के बारे में आप सोच नहीं सकते। मेरा विश्वास कीजिए, एक बार अपनी संगत को आप चेंज कीजिए किसी अच्छे लोगों के साथ, आप निश्चित तौर पर, नशा कोई ऐसी चीज नहीं है, हर चीज मुमकिन है जो आदमी कर सकता है, हर चीज आदमी जो छोड़ सकता है। तो आप संगत से जोड़कर नशा मुक्ति के लिए कुछ 2 शब्द कहें बालकृष्ण जी। देखिए संगत के कारण ही हम जैसी संगत करते हैं वैसे हमको फल मिलता है, हम बुरी संगत करेंगे तो हमको बुरा फल मिलेगा। देखिए जैसे कि आपने कहा कि अगर हम अच्छी संगत करेंगे, देखिए जो हमारे देश में जो लोग नशा करते हैं ठीक, अगर वो मतलब कोई भी अपने गाँव या शहर जहाँ भी रहते हैं अगर किसी एक या अच्छे किसी मनुष्य के साथ रहने 2 या 3 दिन, आपको पता चल जाएगा नशे के बिना जीना कोई, क्या नशा कोई अमृत है? नशा कुछ नहीं है, नशा सिर्फ आप अपने आनंद के लिए लेते हैं लेकिन नशा से ये नहीं समझते कितना नुकसान हो रहा है। जी जी, क्या आप नशे को दिमागी बीमारी के बारे में जोड़ के बोल सकते हैं बालकृष्ण जी? क्या ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है वो एक तरीके से दिमागी रूप से पीड़ित हो जाता है, दिमागी रूप से अस्वस्थ हो जाता है, वो नशे की तरफ खिंचता चला जाता है, इसका मतलब वो दिमागी रूप से अस्वस्थ हो गया। बिना नशे के जो कहते हैं मैं बिना भैया हम सुरती खाए बिना नहीं रह सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में योग्यता है, आप एक उन्नत राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना संपूर्ण योगदान कीजिए। बालकृष्ण जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो जो भी भाई लोग जो भी बंधु हमारे देख रहे हैं आप सभी से अनुरोध है नशे को छोड़ दें और एक अच्छा स्वस्थ अपना शरीर बनाइए और कृपया ये सब बिल्कुल मत करिए, आपसे अनुरोध है। जी धन्यवाद बालकृष्ण जी। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और बालकृष्ण के इस वक्तव्य को और दूर तक फैलाइए, नशा मुक्ति अभियान में जुड़िए। नमस्कार साथियों।